गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर टू हमने रीड कर लिया था, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर। डॉग को मास्टर की जरूरत क्यों पड़ी। द डॉग फेल्ट सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अलोन इन सर्च ऑफ फूड। जो डॉग था वो बहुत थक गया था अकेले घूमते घूमते और खाने की तलाश करते करते। सेकेंडली ही वॉज अफ्रेड ऑफ अदर एनिमल्स स्ट्रॉन्गर देन हिम। और वो दूसरा क्या था कि वो बहुत डरता था किससे, जो जानवर उससे ज्यादा ताकतवर थे। सो ही फेल्ट द नीड टू हैव अ मास्टर। तो उसे किसकी जरूरत थी, एक मास्टर की जरूरत थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हु डिड द फर्स्ट चूज एज इज मास्टर। उसने पहले किसको मास्टर बनाया अपना। वाई डिड ही लीव दैट मास्टर। और उसने उस मास्टर को क्यों छोड़ दिया। द डॉग फर्स्ट चूज, यहाँ चूज की सेकेंड फॉर्म है इसलिए सी एच ओ दिया हुआ है। द डॉग फर्स्ट चूज अ बिग वॉल्फ। पहले उसने किसको चूज किया, भेड़िया को चूज किया अपने मास्टर के रूप में एज इज मास्टर। बट ही फाउंड द वॉल्फ अफ्रेड ऑफ द बियर। लेकिन उसने क्या पाया कि जो वॉल्फ है, भेड़िया है, वो किससे डरता है, भालू से डरता है। सो ही फेल्ट द कंपनी ऑफ द वॉल्फ। तो उसने क्या किया, वॉल्फ की कंपनी को छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु डिड द चूज नेक्स्ट। उसने नेक्स्ट किसको चूज किया। आंसर है द डॉग फर्स्ट टुक अप सर्विस विद द वॉल्फ। पहले उसने किसके साथ सर्विस की, किसकी सेवा की, वॉल्फ की, मास्टर के रूप में अपनाया। बट ही फाउंड द वॉल्फ अफ्रेड ऑफ द बियर। लेकिन उसने क्या पाया कि जो वॉल्फ है वो किससे डरता है, बियर से डरता है। द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू सो ही चूज बियर एज हिज न्यू मास्टर। तो उसने क्या देखा कि जो भालू है वो किससे ज्यादा ताकतवर है, वॉल्फ से। तो उसने अपना नया मास्टर किसको चूज किया, बियर को, भालू को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसने लॉयन को काफी लंबे समय के लिए सर्व क्यों किया। द लॉयन सर्व द डॉग सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड नो कंप्लेन अगेंस्ट हिम। वो जो डॉग था उसने काफी लंबे समय के लिए शेर को इसलिए सर्व किया क्योंकि जो उसकी उसके खिलाफ, शेर के खिलाफ उसको कोई कंप्लेन नहीं थी। ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर विद द लॉयन। वह लॉयन के साथ बहुत ही ज्यादा सिक्योर था और सेफ था। नो अदर वाइल्ड एनिमल डेयर टू डिसप्लीज और हर्ट हिम। कोई भी जंगली जानवर उसको परेशान नहीं करता था और तंग नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड व्हाई। आखिरकार लास्ट में उसने किसको अपना मास्टर बनाया और क्यों। द डॉग वन डे फाउंड द लॉयन ऑल्सो अफ्रेड ऑफ मैन। एक दिन उसने क्या पाया कि जो लॉयन है वो भी किससे डरता है, आदमियों से डरता है। द लॉयन डिसाइड टू कीप अवे फ्रॉम मैन। और उस शेर ने क्या डिसाइड किया था कि हमको इंसानों से दूर रहना चाहिए। सो द डॉग फाइनली रियलाइज। सो इसलिए डॉग ने क्या रियलाइज किया, दैट मैन वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ सो ही जॉइंड मैन। तो उसने रियलाइज किया कि क्या है, जो इंसान है वो इस अर्थ पर सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उन्होंने क्या किया, इंसानों की कंपनी को ज्वाइन कर लिया। और वो इंसानों के लिए आज भी जो डॉग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फेथफुल एनिमल माना जाता है। सेम आपको ये अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और लर्न करने हैं।